guys, welcome back to my channel, Mom Journey. तो आज मैं बात करूंगी एक बहुत important topic के बारे में, जहां हम देखते हैं बच्चों में मोबाइल और टीवी की बहुत ज्यादा आदत होती है. अक्सर पेरेंट्स इस वजह से परेशान रहते हैं कि बच्चे मेरे मोबाइल में या टीवी में ज्यादा लगे रहते हैं, हमसे सोशलाइज नहीं होते हैं, पेरेंट्स से बात नहीं करते हैं या घर वालों से बात नहीं करते हैं, उनके साथ टाइम स्पेंड नहीं करते हैं. तो ये बहुत सारी शिकायतें होती हैं काफ़ी पेरेंट्स की, उनकी ये बहुत बड़ी चिंता होती है लाइफ की कि उनका जो बच्चा है उनके लाइफ का एक पार्ट मोबाइल और टीवी बन गया है. तो पहले यहाँ मैं बात करूँगी उनसे होने वाले प्रॉब्लम्स के बारे में, क्या उसके साइड इफेक्ट हैं, और फिर मैं बात करूँगी उसके सॉल्यूशन के बारे में. तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को. मेरा ये वीडियो पूरा देखिए. इससे पहले मेरी एक रिक्वेस्ट है आपसे, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को हिट करना ना भूलें. तो मॉम्स, पहले हम इसके साइड इफेक्ट के बारे में जानेंगे कि आजकल क्या क्या प्रॉब्लम्स बच्चों में देखी जा रही हैं. इसका सबसे पहला साइड इफेक्ट आँखों पर पड़ता है, चाहे वो एक लिमिट से अगर ज़्यादा देख रहे हैं टीवी या मोबाइल तो उनकी आँखें बहुत वीक हो जाती हैं, इससे आई साइट गिरती है उनकी, उनकी रेटिना पर भी इफेक्ट हो सकता है. क्योंकि मैं एक ऑप्टोमेट्रिस्ट हूँ तो मुझे पता है कि ये चीज़ें आई साइट को कितना इफेक्ट करती हैं. दूसरा है इसका ब्रेन पर इफेक्ट पड़ता है, अगर एक लिमिट से ज़्यादा कोई चीज़ यूज़ करते हैं, अगर हम उसका एक्सेस यूज़ कर लेते हैं अपनी लाइफ में तो वो एक टाइम पर आके साइड इफेक्ट देना शुरू कर देता है. तो वो ब्रेन पर भी इफेक्ट करता है, हमारी जो मेमोरी होती है धीरे धीरे वो भी वीक होने लग जाती है, हम चीज़ों को भूलना स्टार्ट कर देते हैं एक समय पे आकर, तो ये भी एक बहुत बड़ा उसका साइड इफेक्ट है. तीसरा हमारा आता है उसकी फिजिकल हेल्थ पर, जैसे बच्चे होते हैं ग्रोइंग एज में हैं, लाइक इनिशियल एज में हैं, अगर हम उन्हें समय से पहले ही मोबाइल देना स्टार्ट कर देंगे, अपने कंफर्ट के लिए उनको मोबाइल में एंगेज करना शुरू कर देंगे कि हमारा ये काम है हम ये कर लेते हैं बच्चे को मोबाइल देकर, तो ये बहुत गलत है. आप ये गलत कर रहे हो उसकी लाइफ के साथ, क्योंकि ये आगे जाके बहुत प्रॉब्लम क्रिएट करने वाला है उसकी लाइफ पर, उसकी फिजिकल हेल्थ को ये डैमेज करेगा उसको. मतलब अगर उसका खाने का टाइम है, लाइक आप देखेंगे जैसे खाते टाइम बच्चों के हाथ में मोबाइल रहता है अक्सर हम देखते हैं, या वो टीवी के सामने ही बैठ कर खाते हैं, और या हम रेस्टोरेंट में भी जाते हैं कभी तो देखते हैं बच्चे सिर्फ मोबाइल में ही रमे हुए हैं, उसमें ही लगे हुए हैं, अपने आसपास कुछ भी नहीं देखते हैं फिर वो, तो ये सब चीज़ें उसके फिजिकल हेल्थ पे नेगेटिव इफेक्ट डालती हैं. तीसरा हो गया आपका सोशलाइजेशन, उनकी जो सोशल लाइफ है बिल्कुल ख़त्म हो जाती है, वो अपने आसपास के जो लोग हैं उनसे इंटरेक्ट नहीं हो पाते हैं, फैमिलियर नहीं हो पाते हैं. तो क्या होता है, पहले हम जब छोटे थे हमारे पास ना मोबाइल होता था ना हम इतना टीवी में लगे रहते थे, तो आजकल के बच्चों में ये देखा गया हम किसी के घर जा रहे हैं पर्सनली, अगर मैं किसी के यहाँ जा रही हूँ वहाँ मैं बच्चे से मिली हाय हेलो करने के लिए भी, तो उनका रिएक्शन एक अजीब सा होता है, मतलब वो हाय बोलकर अपने मोबाइल में लग जाते हैं, तो एक हम पे भी एक नेगेटिव असर डालता है. मतलब एक तो उसके बिहेवियर में इतना बड़ा चेंज आता है, कहाँ हम होते थे कि हमारे घर कोई आया है, जब हम छोटे थे तो हम कितने एक्साइटेड हो जाते थे, अरे हमारे घर ये आए हैं हमें उनके साथ मिलना है घुलना है, हमें उनके साथ टाइम स्पेंड करना है, ये लोग बहुत टाइम बाद हमारे घर आए हैं. लेकिन आजकल के बच्चे क्या होते हैं, कोई भी आया है उनके लिए वो मायने नहीं रखता है, वो उन पर फ़र्क नहीं करता है, क्योंकि उनकी तो लाइफ मोबाइल और टीवी है. ये बहुत नेगेटिव चीज़ें हैं आजकल के बच्चों में. क्या होता है, जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है WHO है, उसकी एक गाइडलाइन है कि अगर आपका बच्चा एक साल तक है या एक साल से छोटा है तो उसको बिल्कुल स्क्रीन टाइम नहीं देना है. ये हमने कई लोगों के एक्सपीरियंस के बेसिस पर बता रहे हैं, हमारा पर्सनल एक्सपीरियंस भी है इसमें. क्या था कि हम जब नित्या होने वाली थी उससे पहले भी हम ये बात पे बहुत कंसर्न होते थे कि जैसा आजकल हम देख रहे हैं बच्चों में कि कितना वो मोबाइल में या टीवी में रहते हैं, कम सोशलाइज हैं, बात बात भी नहीं करते किसी से ज़्यादा, तो हम चाहते थे कि हमारी नित्या पे ऐसा इफेक्ट ना पड़े, वो मोबाइल उसकी लाइफ का एक पार्ट ना बन जाए कहीं, डेली नीड की चीज़ ना बन जाए कहीं. तो मेरी नित्या अब 10 मंथ की हो चुकी है, मैंने उसको मोबाइल की आदत बिल्कुल नहीं डाली है, उसको अभी पता नहीं है कि मोबाइल में क्या चीज़ें होती हैं. लाइक अगर मैं उसको वीडियो कॉल पे भी बात करवाना चाहती हूँ किसी से तो वो
बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं होती वीडियो कॉल में बात करने में, इवन उसके नाना नानी से भी वो बात नहीं करती है ज्यादा, ना वीडियो कॉल की तरफ देखती है, वो अपनी फिजिकल एक्टिविटी में ज्यादा इन्वॉल्व रहती है। आई होप मैं ऐसे ही उसको कंटिन्यू रखे रहूं, ये मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि मैं उसको उतनी आदत ना डालूं इन चीजों की, मैं चाहती हूँ ये ऐसे ही मेंटेन रहे। तो चलिए मॉम्स एंड डैड, वरी होने की जरूरत नहीं है, हम इसके सॉल्यूशन की बात करते हैं कि ये सॉल्यूशन हम से जुड़ा हुआ है, हम पेरेंट्स हैं, एज अ पेरेंट्स या जो भी गार्जियन है ये ध्यान रखें कि बच्चों के आसपास जो भी रहे वो ये देखे कि मोबाइल बच्चा कितनी देर चला रहा है, कितना टाइम वो मोबाइल या टीवी में स्पेंड कर रहा है। अगर आपको लग रहा है कि हाँ हमने बच्चे का टाइम बस आधा घंटा या एक घंटा ही उसने दिन भर में फोन चलाया है, इनफ है उसके लिए, तो आप ये कर सकते हैं कंट्रोल करना। ये चीज़ें हमारे हाथ में होती हैं, जो भी गार्जियन हैं या केयर टेकर हैं बेबी के, एज पेरेंट्स हम सब जानते हैं। बस अगर बच्चे को राइम्स दिखाना है, छोटे बच्चे को राइम्स दिखा रहे हैं आप, तो आप चाहें तो उसमें इन्वॉल्व रहिए, उसको बस अकेला मत छोड़िए टीवी के पास कि नहीं हमने टीवी चालू कर दी अब तो बच्चा फ्री, हम भी फ्री और बच्चा अपना लगा हुआ है टीवी में, ऐसा नहीं करना, उसको अकेला नहीं छोड़ना है टीवी के पास। आप अगर एक घंटा भी उसको टीवी दिखाना चाहते हैं तो मैं यही सजेस्ट करूंगी कि आप उसके पास हर वक्त रहें और उसको टीवी में बिल्कुल अकेले ना छोड़ें, उसको बताएं टीवी में जो जो चल रहा है, राइम्स चल रही है तो उसको उसकी चीज़ें बताएं कि ये हो रहा है। अब आप उसको डांस करवा सकते हैं उसी पीरियड में, आप उसके साथ खेल सकते हैं, उसको हंसा सकते हैं, उसके साथ बातें कर सकते हैं, ताकि उसको ये ना लगे कि ये सिर्फ टीवी ही मेरा एंटरटेनमेंट सोर्स नहीं है। तो बच्चा ये समझेगा कि हाँ फिजिकल एक्टिविटी में भी मजा है टीवी देखने के साथ साथ, ये आप कर सकते हैं। आपको क्या याद रखना है, मैंने जो पहला पॉइंट बताया आपको स्क्रीन टाइम का, आपका जो स्क्रीन टाइम होना चाहिए, जो भी 2 साल से ऊपर बच्चे हैं, 2 साल से लेके 10-12 साल तक के बच्चे, उनका स्क्रीन टाइम सिर्फ सुबह 1 घंटा और शाम को 1 घंटा ये होना चाहिए, ज़्यादा वो टीवी में इन्वॉल्व ना रहे और ना ही अकेला रहे जब वो टीवी या मोबाइल चलाए। आप चाहें तो मोबाइल को जितना हो सके 2 से 2.5 साल तक के बच्चों के लिए प्लीज़ अवॉइड करिएगा मोबाइल, क्योंकि ये बच्चों की ग्रोइंग एज है, ये अभी उनकी डेवलपिंग स्टेज है, वो अभी वो फिजिकली एक्टिव हो ही रहे हैं, स्टार्ट हो रहा है उनका ब्रेन डेवलप हो रहा है, तो इन चीज़ों से उनका जो ये डेवलपमेंट है ना उनको प्लीज़ मत रोकिए, ये चीज़ें बहुत हार्मफुल है उनके लिए। आप कोशिश कर सकते हैं, ये सब आपके हाथ में है कि आप कब उनके आदत डालें कब नहीं डालें। तो हम बात कर लेते हैं सेकंड सॉल्यूशन की, वो क्या है, खाते वक्त बच्चों को बिल्कुल मोबाइल नहीं दिखाना है, खाते वक्त बिल्कुल टीवी नहीं दिखाना है, और पॉटी जाते वक्त भी अगर बच्चे आपके यूज टू हो गए हैं मोबाइल के तो वो भी प्लीज अवॉइड कर दीजिए, मोबाइल उनको नहीं देना है इन 3 चीजों के लिए। तो खाते वक्त आपको क्या ध्यान रखना है, बच्चा ज्यादा से ज्यादा आपसे एंगेज रहे, आप उसके साथ बात करते रहिए, पूरा आपका कॉन्सेंट्रेशन बच्चे को खाना खिलाने में और बच्चे का कॉन्सेंट्रेशन सिर्फ खाने में होना चाहिए, वो ध्यान बस खाना खाए अच्छे से ताकि उसका डाइजेस्टिव सिस्टम भी ठीक रहे, क्योंकि ये देखा गया है अक्सर बच्चे जो मोबाइल में लगे रहते हैं और खाना खाते हैं उस टाइम पे तो या तो वो कम खा पाते हैं या वो ज्यादा खा लेते हैं, जिससे ओबेसिटी की समस्या भी बच्चों के साथ होती है और उनका डाइजेस्टिव सिस्टम भी खराब रहता है। तो हमें क्या करना है, बच्चों को मोबाइल नहीं दिखाना है, उसको साथ में बैठ के फैमिली के साथ में बैठ के खाना खिलाना है। बहुत अच्छा एक पॉजिटिव पॉइंट है इसमें कि आप फैमिली के साथ बैठ के खाना खिला रहे बच्चे को, ये उसकी मेंटल हेल्थ पे भी इफेक्ट करेगा। दूसरा, आपको पॉटी के टाइम उसको मोबाइल भी नहीं देना है, क्योंकि उसको कॉन्सेंट्रेट सिर्फ पॉटी पर करने दीजिए ना, ताकि उसका पेट अच्छे से क्लीन हो पाए, जो उसके डेली रूटीन की चीज़ें हैं बस उससे आप मोबाइल को दूर कर दीजिए तो उसकी लाइफ बहुत ईजी हो जाएगी और आपकी। हम तीसरे सॉल्यूशन की बात करते हैं, वो है बच्चे की फिजिकल एक्टिविटी। आप उसकी फिजिकल एक्टिविटी पर भी ध्यान दें कि वो कितना टाइम आउटडोर गेम्स में स्पेंड कर रहा है, कितना वो एक्टिव है, कितना खेल रहा है। आप जब मोबाइल की आदत आप छुड़ाएंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा टाइम उसे आउटडोर गेमिंग्स में दें, वो बाहर एक्टिव रहे, उसको साइकिलिंग सिखाएं। अगर बच्चा 2 से 3 साल से ऊपर है तो उसको साइकिलिंग दें, उसको स्विमिंग करवा सकते हैं, अपने साथ ड्राइंग वगैरह कराएं, उसको
कोई भी DIY एक्टिविटी आजकल ऑनलाइन अवेलेबल है, आप वो देख के करवा सकते हैं, बच्चों के साथ इन्वॉल्व रहें इन सब चीजों में, एक्टिव रहें। जब आप एक्टिव रहेंगे, आप जब खुद ही इन सब चीजों से, गैजेट से दूर रहेंगे, आपको बच्चा उसमें इन्वॉल्व नहीं देखेगा, तो वो भी क्यूरियोसिटी नहीं रहेगी उसके अंदर कि वो भी मोबाइल यूज करे, कि अरे उसके पेरेंट्स यूज कर रहे हैं तो वो भी यूज करे। तो जो भी 2 साल से ऊपर तक के बच्चे हैं जो फिजिकल एक्टिविटी कर सकते हैं, ज्यादा से ज्यादा आप कोशिश करें, जो WHO की गाइडलाइंस है उसके अकॉर्डिंग 180 मिनट्स तक आपको उसको फिजिकल एक्टिविटी में इन्वॉल्व रखना है, ये उसके हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है। जो 4th पॉइंट रहेगा हमारा सॉल्यूशन, वो रहेगा बच्चों का मेंटल हेल्थ, मेंटल डेवलपमेंट कैसे किया जाए। मेंटल डेवलपमेंट के लिए आपको बहुत मेहनत करनी है, इसमें बच्चों के साथ जो भी मेंटल हेल्थ गेम्स ऑनलाइन अवेलेबल है, जो भी बच्चों के लिए ब्रेन एक्सरसाइज गेम्स होते हैं वो खेलिए। आप चाहें तो ऑनलाइन जाके सर्च कर सकते हैं ब्रेन एक्सरसाइज के लिए क्या क्या गेम्स या क्या एक्टिविटीज अवेलेबल है, आप उन्हें सर्च करें, वो बच्चों के साथ कर सकते हैं। ब्रेन एक्टिविटी पर भी एक अलग वीडियो करेंगे हम। फिर सॉल्यूशन हमारा है, आप उसको योगा करा सकते हैं, मेडिटेशन करा सकते हैं, ये चाहे तो आप 2 साल से ऊपर तक के बच्चों में स्टार्ट कर दीजिएगा, जैसा हो सके जल्दी स्टार्ट करेंगे तो उनकी जो ब्रेन डेवलपमेंट है, मेंटल हेल्थ है, वो भी इम्प्रूव होगी, उनकी जो कॉन्सेंट्रेशन पावर है वो भी डेवलप होगी उससे। तो ये सब जो एक्टिविटी है, ये जो सॉल्यूशन है, ये सब आप मिलकर कर सकते हैं। पेरेंट्स की ये जिम्मेदारी होती है कि आप कैसे उसे पेरेंटिंग दे रहे हैं। आप वो अगर वो लर्निंग स्टेज पर हैं, वो सीख रहे हैं, वो डेवलपमेंट ग्रोइंग स्टेज पर हैं, तो हमारी जिम्मेदारी है, हमारा ही कर्तव्य बनता है कि हम उसको किस दिशा में ले जा रहे हैं। अगर हम उसको पॉजिटिव चीज़ों की तरफ ले जाएंगे तो वो उसकी लाइफ में पॉजिटिव इम्पैक्ट डालेगी। अगर हम पहले ही उनको नेगेटिव चीज़ों से इंट्रोड्यूस करा देंगे तो उनके लाइफ पर नेगेटिव इफेक्ट डालेगा। तो ये हमारे ही ऊपर है, हमें सबसे ज़्यादा मेहनत करनी है। तो मॉम्स, मैंने आपको बता दिया आपको किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है, कैसे आप इन चीज़ों की आदत छुड़ा सकती हैं। आई होप आपको ये वीडियो मेरा पसंद आया होगा, उसे लाइक करें, कमेंट करके बताएं, अपने जो एक्सपीरियंसेस हैं वो भी आप शेयर कर सकती हैं हमसे, और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।